इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल किसे कहते हैं? मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया। बिजनेस एंटाइटी क्या कहता है कि मालिक का लगा हुआ पैसा बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होता है। उस नजरिए से कैपिटल बिजनेस की क्या बन जाती है? लायबिलिटी, कर्जा। अब अगर हमारे ऊपर कर्जा हो तो उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस के लिए रूल होता है नॉमिनल का, इसका होता है नॉमिनल का, और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि कंपनी के जितने भी खर्चे हैं उन्हें डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो जब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे उसे ट्रीट करें, कैसे उसको जनरलाइज करें, तो देखेंगे जरा। जैसे लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। चार्ज का मतलब होता है अभी पेमेंट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो जब भी चार्ज का केस होगा तो आप एंट्री कैसे बनाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट हमने क्यों किया? क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो कंपनी कर्जे पर ब्याज दे रही है तो उसके लिए खर्चा हो गया, और खर्चों के लिए नॉमिनल का रूल होता है। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा है तो डेबिट करो, दैट इज व्हाई वी आर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? अब बात आती है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, कि अभी हमने पेमेंट नहीं करी। अब ये पैसा इंटरेस्ट का किसके पास जाएगा? हमने किस पे इंटरेस्ट दिया? कैपिटल पे। कैपिटल किसकी है? मालिक की। सही है, तो ब्याज भी किसको दिया जाएगा? मालिक को ही दिया जाएगा। और जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया गया था, प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मालिक के पैसे को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। ओपनिंग एंट्री में कहा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कि मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगा उसे कैपिटल से डिनोट करते हैं। अब मालिक को हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी मालिक को ही देना है। तो जब एक ही बंदे को पैसा देना है, लायबिलिटी मतलब कैपिटल का पैसा भी मालिक को ही देना है और ब्याज भी उसको देना है, तो दो पेमेंट है लेकिन पर्सन रिसीविंग एक ही है, और उस इंसान को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट और कैपिटल का डेबिट एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने ये पे नहीं किया तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन गई। अब लायबिलिटी किसकी बनी? मालिक के नाम की। मालिक क्या है? इंसान, पर्सन, और पर्सन का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसको देना है उसे क्रेडिट करो। तो इंटरेस्ट का पैसा किसको देना है? मालिक को, तो मालिक को हमने क्रेडिट किया टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां लग गया आपका नॉमिनल का रूल और यहां लग गया आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का रूल। ठीक है, अमाउंट कितना है? 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग आईओसी चार्ज। तो ये बन जाती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री। इसी एंट्री में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन देखें तो कभी कभी लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। पेड का मतलब बिजनेस ने मालिक को इंटरेस्ट दे दिया, तो फिर क्या गया? कैश गया। जब आप किसी को पेमेंट करोगे पैसे तो दोगे, तो पैसा जा रहा है, तो आईओसी जब पेड लिख रहेगा देन इन दैट केस यहां पे आप कैश वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो केस हो गए। अगर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज देन इन दैट केस यू हैव टू मेक एंट्री आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और जब लिखा होगा पेड तो एंट्री बनेगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज करने के वजह से लिखा है कैपिटल कंपनी की 2 लाख है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना परसेंट? 4%, और कितने महीने के? 6 महीने के। बच्चा जब इतने सारे वैल्यूज देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है ना, तो यहाँ कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने? कैपिटल हमारी कितनी है? 2 लाख। ये आप वर्किंग नोट की तरह यूज कर सकते हैं। 2 लाख हमारी कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है? 4%।
तो 4/100, 100% को डिनोट करता है, ठीक है। और कितने महीने का, 6 महीने, साल में महीने कितने होते हैं 12, तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जैसे 2 लाख का 4% 8,000 और 8,000 का आधा होता है 4,000, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन बनेगी उसकी जो जनरल एंट्री आप बनाएंगे, चार्ज का केस है, दो ही केस होते हैं, चार्ज या पेड। पेड में आप कैश वर्ड यूज करेंगे, चार्ज में यूज करेंगे कैपिटल, और अमाउंट आएगा 4,000। यहाँ पे आपका बहुत से बच्चे 2 लाख में 4,000 जोड़ के 2 लाख 4,000 सेट करते हैं, नहीं आप सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट आपका 4,000 है, एंट्री में आप 4,000 का यूज करेंगे, क्लियर है। एक बार फिर सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है, मालिक का पैसा होता है जो मालिक को बिजनेस में चुकाना होता है, ठीक है। अब उस पर ब्याज कंपनी के लिए खर्चा बन जाता है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, इस वजह से आईओसी को डेबिट किया जा रहा है। अगर पेड का केस होगा तो यहाँ पे आप कैश लिखेंगे, और अगर चार्ज का केस होगा तो कैपिटल लिखेंगे। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एंट्री में ओ ऑब्लिक एस करके एंट्री बना दिया करते थे, लेकिन कैपिटल के केस में आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज ना करते हुए हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। रीजन बिहाइंड इट, कैपिटल मालिक को देनी है, इंटरेस्ट भी मालिक को देना है, और मालिक के नाम आप पहले ही कैपिटल से दिखा चुके हो, तो एक ही इंसान के दो दो नाम नहीं बनाए जाते हैं।